हम बना रहे हैं आलू वाले चावल। तो मसाला जब हम आम मसाले डालते हैं, नमक मिर्च वगैरह वगैरह वगैरह, वो हमने डाल दिए हैं और आलू को हम थोड़ा भून रहे हैं इसके साथ, और फिर हम पानी डाल के इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। और फिर एंड में हम चावल डालेंगे। सो फिलहाल जो है वो हम इसके साथ लगे हुए हैं। हमने इसमें डाल दिया है पानी, फिर हमने सारे मसाले तकरीबन एक एक चम्मच के हिसाब से डाले। सिर्फ नमक ज़्यादा है क्योंकि हम चावल दो चम्मच डालेंगे, तो जब दो चम्मच डालेंगे तो उसके साथ हम वो कर लेंगे। मगर इसके साथ ही मैं अरबी भी मिक्स करूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो खाएं, इसलिए क्योंकि वरना वो खा नहीं रहे। आलू के साथ देखेंगे तो खा लेंगे, तो दैट्स द प्लान। देखें कहाँ तक कामयाब होता है। कि अभी आलू में कितनी कसर है, लेट्स चेक इट आउट। थोड़ी सी अभी और कसर है, हाँ अभी थोड़ी सी कसर है, दो चार मिनट और पक जाए तो उसके बाद फिर मैं चावलों का काम करती हूँ। इतनी देर जो है मैं चावल भिगोती हूँ, और जो कि है चावलों का वो निकालूँ बोल। और आज है मेरे पास मिठाई थोड़ी सी पड़ी हुई, जो मैंने अभी थोड़ी सी खाई है, और ये बच्चों के लिए बाहर रख दी है ताकि ज़रा ठंडी नहीं रहेगी, गर्म हो जाएगी तब तक। सो बस अब मैं चावल निकालती हूँ। आई थिंक चावल मैंने इसमें रखे हैं, यस इसमें रखे हुए चावल निकल है। सो बस अब चावल जो है मैं इसको वो करती हूँ। चावल मैं हमेशा पंजाब से लेती हूँ, बिकॉज ये वाले चावल ग्रीन वाले जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो चावल कोई भी डाल सकते हैं, बट मैंने बहुत जगहों से टेस्ट किए हैं और मुझे पंजाब के चावल अच्छे लगते हैं। इतनी देर जो है मैंने इसको वो कर दिया है, अरबी इधर से निकाल के इसमें मिक्स कर दिए, और ये थोड़ी सालन वाली बन गई है। अब ये चावलों के साथ मिक्स हो जाएगी, बच्चे आलू समझ के खाते जाएंगे। सो दैट्स द प्लान। सो मैं इसका थोड़ा सा पानी उड़ा रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा ब्लैंक हो गया बीच में, बट अब मैं इसका थोड़ा सा पानी उड़ाने लगी हूँ ताकि ये जो है थोड़ा कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो हम ये राइस जो हमने रखी है साथ, ये हम डाल देंगे। और इसमें मैंने 3 कप डाले हैं बिकॉज ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ पानी, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉगी हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी उड़ा रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डाल दूँगी, आई डोंट थिंक सो ज़रूरत होगी, 1 कप रह जाएगा। इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन। इसमें मैं थोड़ी सी वो नींबू वगैरह ज़रा सा मिक्स करती हूँ, बिकॉज जो है वरना फिर टेस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो मैं पॉज कर रही हूँ। सो मैंने हरी मिर्च ले ली है, नींबू मैं डाल चुकी हूँ, और अब मैंने इसके साथ हरी मिर्च जो है वो काट के डाल दूँगी, मतलब साबुत भी डाल सकती हूँ बट काट के डालूँगी। सो ये मेरा सालन है जो अभी पूरा नहीं पका है। मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं डाली, दो ही डाली है, बिकॉज बच्चों से फिर हज़म नहीं होगी क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी होगी भी। आई थिंक बच्चे आ भी गए हैं, आई थिंक सो। सो खैर नहीं हो, फिलहाल मैं बंद कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है वो चावलों के साथ आपसे मुलाकात होगी। सो मैंने हरा धनिया डाल दिया है, तो चलें फिर चावल डालते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, ये चावल मिक्स हो चुके हैं। अब ये चावल पकेंगे इसमें, कुछ हो के पानी ज़्यादा ना हो गया हो, बट एनी हाउ खैर कुछ तो बन ही जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है।
खाना, हमारे चावल रेडी हैं।